तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवाइटेड हैमर पर। तो आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है हैमर वाली, और सभी कैंडल स्टिक किसको क्या बोलते हैं वो बाय डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उधर जाके देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वाइटेड हैमर के बारे में। तो इन्वाइटेड हैमर इसको बोलते हैं, उसकी वीक ज़्यादा बड़ी होती है और उसका ये क्लोज, ये इधर क्लोजिंग और इधर ओपन होता है। तो आज हम समझेंगे कि इन्वर्टर हैमर किस तरह काम करता है। तो चलिए चलते हैं। मार्केट जैसे ही अप रेंज जाता हो, साइडवेज जाता हो, तो मार्केट ऐसे फॉल होना शुरू हो जाएगा, ऐसे कैंडल बनाना शुरू हो जाएगा। ये मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये ग्रीन है हमारी कैंडल, देखिए इन्वर्टेड हैमर ग्रीन हो या रेड कोई मायने नहीं रखता, पर वो बननी चाहिए और सही एंट्री और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो चलिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, देखिए जैसे डाउन होगा उधर हमारा इन्वर्टेड हैमर मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा, उधर हमारा इन्वर्टेड हैमर बनेगा, कैंडल स्टिक बनेगी इन्वर्टेड हैमर की। इसका मतलब इधर अब बायर एक्टिव हो गए हैं। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बोलोगे कि सर वो शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर और हैमर सभी एक ही जैसे, वो उस पर भी वीडियो आएगी। आप इस कैंडल को धीरे धीरे एक एक करके समझिए। देखिए फर्स्ट कैंडल ये बना हमारा इन्वर्टेड हैमर हुआ इधर, तो दूसरी कैंडल कैसे होगी, दूसरी कैंडल ऐसे होगी, इसके ऊपर ही होगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। देखिए ये इसका लो और इसका लो सेम ही है, इसके नीचे नहीं होगी कैंडल सस्टेन। देखिए ये हो गया हमारा चार्ट। अब समझते हैं कि एंट्री किधर ले और स्टॉप लॉस किधर लगाए। तो देखिए ये जैसे इन्वर्टेड हैमर बना, ये लो हुआ इसका, ये लो सेम हुआ, ये इसी दो, ये दो कैंडलों का लो, लो ये लो हुआ, तो हमारा एंट्री कंफर्मेशन कैंडल में होगी। ये कंफर्मेशन कैंडल, तो हमारी एंट्री इस कैंडल पर होगी। देखिए इस कैंडल के अप हो या इस कैंडल के बीच में कर सकते, जितनी एसएल छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो हमारी एंट्री इस कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही होगी, पहले से एंट्री नहीं होगी। तो ये हमारी एंट्री इधर मान लो, ये हमारी एंट्री हो गई एंट्री, और स्टॉप लॉस आएगा हमारा इन्वर्टेड हैमर के कंप्लीट नीचे, जिधर इसने लो लगाया उधर हमारा आएगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इधर हमारा आएगा स्टॉप लॉस। देखिए जैसे 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 मार्केट अप जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस एसएल मॉडिफाई करेंगे, एसएल मॉडिफाई पर एक भी वीडियो आएगी। और देखिए जैसे जैसे स्टॉल हो जाएगी, हम एसएल छोटा करते जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट भी ला सकते हैं, पर ये तो आई होप आपको बोर्ड से पता चल गया होगा कि इन्वर्टेड हैमर किसको कहते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा। और देखिए आपको मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको समझ आए, पूरे चार्ट एंट्री एसएल सब समझ आए। तो देखिए
मार्केट जैसे डाउन हो रहा था, ये देखिए मार्केट इधर से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया था, तो इधर हमारा एक इनवाइटेड हैमर बना, इनवाइटेड हैमर बना। मैंने शुरुआत में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, हैम इनवाइटेड हैमर रेड हो या ग्रीन कोई फर्क नहीं होता है, पर ये सही सही कैंडल बननी चाहिए, सही कैंडल स्टिक। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेड बने या ग्रीन बने। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल, चलो कि हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया इधर, तो हम थोड़ा वेट करेंगे दूसरी कैंडल का, क्योंकि तुम उधर ही एंट्री कर दोगे तो उधर ही लॉस हो जाएगा तुम्हारा, तो आप फिर से लॉस कर बैठोगे। तो इधर देख लीजिए, ये ग्रीन कैंडल पूरी आई, तो ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री इधर तक होगी, कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल है हमारी, तो इधर एंट्री होगी, इधर स्टॉप लॉस आएगा। तो देखिए जिधर तक मार्केट ने रिवर्सल लिया है ना, मार्केट जब तक ऊपर गया है ना, तब तक ये हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, एसएल बिल्कुल हिट नहीं हुआ। तो हमारी एंट्री बनेगी इस ग्रीन कैंडल के टॉप पर, इधर हमारी एंट्री होगी और इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर के लो पर। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट कर लेना, वो रिस्क मैनेजमेंट इतना गैप, ये इतना गैप होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट आए, मतलब 1.5 से 2% का इतना होना ही चाहिए, क्योंकि ये मार्केट के फॉर्मूले और नियम है। नहीं तो ज़्यादा होगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का होगा, तो आपका भारी लॉस भी हो सकता है। तो आप एकदम सोच समझ कर कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना, नहीं तो आपका भारी लॉस हो सकता है। तो आप, आई होप आपको बेहतर इन समझ आए, और मैं प्रयत्न करूंगा कि आप हर एक दिन नया नया सीखे कैंडल की चार्ट। और आपको नहीं पता है कि कैंडल कौन सी कहलाती है, तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो दोनों की, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल। तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।